हेलो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाइज़ के बारे में। बहुत से लोगों का सवाल था कि उनको बटरफ्लाइज़ बहुत दिखती हैं आजकल, वो चाहे सपने में हो या फिर रास्ते में चलते वक्त। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बटरफ्लाइज़ दिखने का क्या मतलब है और जब आपको बटरफ्लाइज़ दिखे आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हम डिफरेंट कलर की बटरफ्लाइज़ के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या मतलब है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर पाएँ और आपको पूरी जानकारी मिले। गाइस, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि बटरफ्लाइज एंजल्स हैं या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, सबसे पहली बात, जो बटरफ्लाइज होती हैं वो स्पिरिट एनिमल होती हैं। ये आपकी लाइफ में तब आती हैं जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो या फिर आपके गार्डियन एंजल्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, बटरफ्लाइज़ का बहुत ही डीप और पावरफुल मतलब होता है हमारी ज़िंदगी में। बटरफ्लाइज़ ना कि सिर्फ बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही पावरफुल मीनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, होप, न्यू बिगिनिंग एंड लाइफ। तो गाइस, अब हम बात करते हैं बटरफ्लाइज़ का स्पिरिचुअली क्या मतलब होता है। गाइस, स्पिरिचुअली बटरफ्लाइज आपको रिप्रेजेंट करती हैं ग्रोथ को। जैसे कि आपने बटरफ्लाइज का बर्थ देखा होगा कि जब वो जन्म लेती हैं तब वो कैसी होती हैं, और धीरे धीरे ग्रो करते करते वो बटरफ्लाई बन जाती हैं। देखा जाए बटरफ्लाइज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को सिखाती हैं, वो है चेंज। जब बटरफ्लाई पैदा होती है, ऐसा नहीं कि वो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देती है, उसके लिए उसको टाइम लगता है, उसके लिए वो पेशेंस रखती है अपने अंदर कि ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी उड़ना है। तो हमें भी यही सीखने को मिलता है कि हमें पेशेंस रखना है। अगर हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ को ट्राई किया और आप समझें कि रातों रात आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर बटरफ्लाइज के बारे में। गाइस, बटरफ्लाई का कोई एक रंग नहीं होता, ये डिफरेंट कलर्स में होती हैं और हर किसी को डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाइज़ और उनके मीनिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वाइट कलर की बटरफ्लाई के बारे में कि इसका क्या मतलब है। गाइस, वाइट बटरफ्लाई एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, गुड लक एंड पीस। और अगर हम बात करें येलो बटरफ्लाई की तो इसका मीनिंग होता है जॉय एंड क्रिएटिविटी। ये मोस्टली आपको तब दिखेगा जब गर्मियों का सीज़न आता है। अब हम बात करते हैं रेड कलर की बटरफ्लाई के बारे में। रेड कलर की बटरफ्लाई का मीनिंग होता है सुपर नेचुरल क्रिएचर्स। गाइस, ये एक तरीके से आपको इशारा करती है डेंजर का, आपको उस वक्त थोड़ा सा संभल के रहना है। और अगर हम बात करें ब्लैक बटरफ्लाई की, ये रिप्रेजेंट करती है डेथ को एंड डार्क। ये मोस्टली आपको तब दिखती है जब आपकी लाइफ में आपके आसपास बहुत ही नेगेटिविटी है, या फिर आपके आसपास झगड़ा हो रहा है, या फिर आपके रिश्तेदारों में किसी का नुकसान होने वाला है। अब हम बात करते हैं ब्लू बटरफ्लाई की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा साइन है। ये रिप्रेजेंट करता है जॉय एंड लक को। गाइस, पर्सनली बताऊँ, ब्लू बटरफ्लाई मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। जब भी मैं इसको देखता हूँ मैं एकदम खुश हो जाता हूँ और अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ। अब हम बात करते हैं ग्रीन बटरफ्लाई की। गाइस, ये रिप्रेजेंट करती है लव एंड वेल्थ को। गाइस, आप में से बहुत से लोगों को मल्टी कलर की बटरफ्लाइज दिख रही होंगी और ये रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ एंड ट्रस्ट, और साथ ही साथ आपको ये इशारा करती हैं कि आप एकदम राइट पाथ पे हो। अब हम बात करते हैं कि बटरफ्लाइज आपके पास खुद आती हैं तो इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हो और कहीं से बटरफ्लाई उड़ती उड़ती आपके पास आ गई। गाइस, ऐसा होना बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जैसे कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और वो चेंज पॉजिटिव होगा। गाइस, कई बार क्या होता है कि जब हम खाली बैठे होते हैं तो हम फिगर आउट करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेटर पर्सन बनाएंगी, आपको अलाइन करेंगी आपके ट्रू नेचर के साथ। गाइस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो बटरफ्लाई एक तरीके का साइन है जो आपको बताना चाह रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है,
अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपको एक डिसीज़न लेना है और उसके ऊपर स्टिक रहना है, उसके ऊपर वर्क करते रहना है। कई साथ ही साथ बटरफ्लाइज आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। बटरफ्लाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती हैं। वो आपको बताना चाहती हैं कि आपको लेट गो करना होगा अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, और आपको उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है जो आपको डेवलप करेंगी, आपकी हाइयर सेल्फ के साथ जोड़ेंगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर वर्क करना है और उसके ऊपर ट्रस्ट करना है कि आप एकदम सही पाथ पे हो। अब हम बात करते हैं बटरफ्लाइज का आपके ड्रीम्स में दिखने का क्या मतलब है। गाइज, अगर आपको बार बार बटरफ्लाइज अपने सपने में दिख रही हैं, इसका भी यही साइन है आपकी लाइफ में आपको चेंज लाना होगा। जिस तरह बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर होती है, वो ग्रो करते करते बटरफ्लाई बनती है, आपको भी अपनी लाइफ में ग्रो करना है। इसलिए आपको बार बार ड्रीम्स में आके आपको साइन दे रही है कि आपको एक्शन लेना है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक्शन लेना ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको साइन आ रहे हैं सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे जो आपके लिए सही हैं, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको बटरफ्लाई एक्शन लेने के लिए कहती हैं, टेक एक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बटरफ्लाई टैटू के मीनिंग की। गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी स्टार लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्पेशली एक्ट्रेस, वो बटरफ्लाई टैटू ज़रूर बनवाती हैं। बट आपने ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि गाइस बटरफ्लाई एक तरीके का सिंबल है गुड लक का, क्रिएटिविटी का, फ्रीडम का, लव का और ग्रोथ का। आप खुद नोटिस करके देखिए, जब भी आप बटरफ्लाई को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत खुशी आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, फ्रीडम सा एक महसूस होता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। जो भी नेगेटिविटी होती है आप उस चीज़ को भूल जाते हो, आप बटरफ्लाई को देखने में लग जाते हो। और जब हम बटरफ्लाई टैटू को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी एक गुड लक का फील आता है, क्रिएटिविटी का फील आता है, फ्रीडम का फील आता है, लव का फील आता है। गाइज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी टैटू बनवा लें, ये आपका पर्सनल डिसीज़न है। बट ये ऐसा माना जाता है कि टैटू से सबकॉन्शियसली आपके माइंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी आप बटरफ्लाई को देखते हो आप खुश हो जाते हो। तो जैसा आप अपनी लाइफ में चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनिमल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको उसमें बाकी एनिमल्स के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसे भी देख सकते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल।